UGW का मोस्ट अवेटेड प्लेटेस्ट 4 आ चुका है। इस वाले प्लेटेस्ट के अंदर हमको बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स देखने को मिले हैं। इसकी मेरे पास एक बहुत ही बड़ी लिस्ट भी है, लेकिन आपको ये पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूँ। क्या साइंस का कोई प्रोजेक्ट नहीं, UGW का गेम प्ले यार। देखो UGW का जो पिछला वाला प्लेटेस्ट था यानी कि प्लेटेस्ट 3, उसमें लाइक पैरासूट ग्लिचेस, वाटर का रिफ्लेक्शन सही नहीं था, व्हीकल के कैमरा मूवमेंट सही नहीं आ रहे थे, मतलब कि इस टाइप के बहुत सारे बग्स वगैरह, बहुत सारे लाइक कमियां थी। ठीक है, तो इन चीजों पर प्लेटेस्ट 4 में बहुत ही अच्छे से ध्यान दिया गया है। इन सबको लिटरली बहुत ही इम्प्रूव किया गया है। आप लोग यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूँ। हम एक काम करते हैं, हमें प्रॉपर वाला गेम प्ले स्टार्ट करते हैं जिससे कि आपको समझाने में सभी अपडेट्स बहुत ही इजी होंगे। और मैं आपको एक वार्निंग भी देना चाहता हूँ, अगर गेम के बारे में देखो मैं ये बोलूंगा कि कुछ बढ़िया नहीं है, ये चीज बढ़िया नहीं है, तो प्लीज उसको आप लोग सीरियस लेके कुछ से कुछ मुझे कमेंट किया मत करो। ठीक है कि तू गेम को सपोर्ट नहीं करता, इंडियन गेम है तो सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि तू जेन्युइन ओपिनियन होता है अपना वो शेयर करने की कोशिश करता हूँ। ना ही मुझे किसी गेम की कंपनी ने खरीदा है कि मैं उसके बारे में तारीफ करूँ, जेन्युइन ओपिनियन होगा मैं वही शेयर करूंगा। इसलिए प्लीज कमेंट ऐसा मत करना, ठीक है, कि इंडियन गेम है तो सपोर्ट नहीं कर रहा, क्योंकि जेन्युइन होगा आपको वही बताऊंगा ना यार मैं तो। वैसे क्या सभी तक अगर आपको UGW को बीटा टेस्टिंग का एक्सेस नहीं मिला है तो आप लोग बीटा टेस्टिंग का एक्सेस किस तरीके से ले सकते हो, वीडियो के बीच में मैंने बताया हुआ है, तो प्लीज वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक जरूर से देखना। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ओके गाइज, ये है गेम की लॉबी। गेम की लॉबी के अंदर फिलहाल के लिए हमको कुछ भी अपडेट या कुछ भी चेंजेस देखने को नहीं मिला है। गेम की लॉबी एज इट इज के एज इट इज हमको देखने को मिल रही है पिछली बार जैसा। यहाँ पर गन्स का मैगजीन भी सेम है, पिछली बार जो मैंने मैच खेला वो भी सेम है। यहाँ पर सेटिंग्स वगैरह भी यहाँ पे कुछ लाइक इम्प्रूवमेंट्स या कुछ नया सिस्टम वगैरह एड नहीं किया गया है। और यहाँ पे हम सबसे पहले हाई पे कर देते हैं और HD पे कर देते हैं ग्राफिक्स को, जिससे कि हमारा एकदम हाई ग्राफिक्स वाला HD वाला ग्राफिक्स मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर हम इस बार बोरिस से खेलने वाले हैं। यहाँ पर हम त्यागी लेने वाले, ठीक है, टकले से हम गेम प्ले करेंगे, ठीक है, कैरेक्टर हमारा यही रहेगा। ओके, हम यहाँ पे लॉबी के अंदर आ चुके हैं। लॉबी के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट तो कुछ दिखने को नहीं लग रहा है, सब मतलब कि पहले वाला ही। यहाँ पर थोड़ा इसके हाथों का हिलने का स्टाइल अलग लग रहा है पहले से, और थोड़ा सा हाथों के हिलने का स्टाइल अलग है, बाकी तो एज इट इज ही लग रहा है मुझे। ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं लॉबी के अंदर, ज्यादा कोई चेंजेस देखने को नहीं मिले मतलब कि लॉबी के अंदर। ठीक है, यहाँ पर मतलब कि गाइस एक और चीज, यहाँ पर हमको लाइक जब हम प्लेन के अंदर होंगे तभी यहाँ पर लाइक सर्कल जोन के बनना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी फटाफट लाइक जो जोन का ड्यूरेशन होता है उसमें भी थोड़ा बहुत चेंजेस किया पिछली बार से इस बार में, क्योंकि पिछली बार ड्यूरेशन वगैरह बहुत डिले वगैरह चल रहा था। और यहाँ पे प्लेन वही टूटी फूटी है और तो कुछ अलग, और यहाँ पे पानी का रिफ्लेक्शन कुछ नीचे अलग आ रहा है। देखो यहाँ पे लाइक ये एक थोड़ा सा ग्लिच टाइप का ही अभी मतलब कि ये पानी वाला ऐसा दिखना नहीं चाहिए ऊपर से, थोड़ा ग्लिच है, ये बाद में जाकर फिक्स हो जाएगा। और कूदने का जंपिंग स्टाइल पे थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट है, मतलब कि यस थोड़ा बहुत लाइक यस पैराशूट वगैरह ओपन होने में आया, यस मतलब कि पैराशूट और जंपिंग में थोड़ा सा यहाँ पर चेंजेस किया है। ठीक है, पिछली बार से थोड़ा बेटर हुआ, बट ये बहुत धीमे धीमे आगे बढ़ रहा है यार, बहुत स्पीड में बढ़ना चाहिए, बहुत धीमे धीमे आगे बढ़ रहा है, तो थोड़ा स्पीड कम है मतलब कि आगे बढ़ने का, बाकी मतलब कि सही थोड़ा और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है इसके अंदर। और ये देखो वाटर की क्वालिटी, अगर आपको याद होगा पिछली बार का वाटर का क्या ही क्वालिटी था, मतलब पिछली बार का वाटर आपको ऐसा देखने को नहीं मिलता था। पिछली बार का एकदम लाइक पूरा ही लाइक प्रॉपर जो वादड़ी होता है ना ब्लू कलर का, ठीक है, लाइट ब्लू कलर का, उस कलर का वाटर था, इसमें थोड़ा डार्क कलर का वाटर कर दिया है। ठीक है, और थोड़ा सा यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन होता है वाटर में वो भी ऐड कर दिया है। और यहाँ पे पहाड़ों पे चढ़ने का स्टाइल भी वही है, सामने की साइड सबसे पहले हम गन वगैरह लेते हैं। ठीक है, सामने नाव वगैरह एज इट इज रखी हुई है, मतलब कि लोकेशन में ऑलरेडी आ चुका हूँ, आपको पता होगा पिछली बार मैंने गेम प्ले भी डाल के रखे हुए थे। वैसे कह रहा आपको बता देता हूँ, मैंने गेम प्ले का एक अलग सा चैनल स्टार्ट किया जहाँ पर मैं UGW के बहुत ही सारे गेम प्लेज अपलोड करने वाला हूँ अपने फुल्ली वॉइस ओवर के साथ भी फुल HD पे अंदर। तो आप लोग अभी तक मेरे गेम प्ले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट में मिल जाएगा। ठीक है, और फायरिंग स्टाइल भी मतलब कि थोड़ा सा है लाइक गोली निकल रही है तो दिख रहा है, पहले दिख नहीं रही थी मतलब गोली निकलता था ना। तो और गाइस हमको बोला गया है कि मतलब कि व्हीकल के कैमरा एंगल्स वगैरह भी लाइक इंप्रूव किए गए हैं, तो यहाँ पर लाइक व्हीकल को कंट्रोल करने में पहले से इजी हो रहा है। ठीक है, मतलब कि पहले अगर प्लेस्टेशन 3 के अंदर है ना मैं व्हीकल चलाता था ना, लाइक कैमरा एंगल कहीं पे जाता था और व्हीकल कहीं और पे जाता था। ठीक है, बट प्लेस्टेशन 4 में ये चीज यहाँ पे फिक्स हो गई है, व्हीकल का जो कैमरा एंगल है वो यहाँ पे अब सही जा रहा है, मतलब कि लाइक जिस तरफ मैं हैंडल मोड़ रहा था उसी तरफ व्हीकल भी जा रहा था। और यहाँ पे मुझे पीछे एक बंदा दिखा था बट पता नहीं यहाँ पर बंदा कहाँ गायब हो गया, मेरे पास अच्छा स्कोप नहीं है यहाँ पर। और आपको शायद पता हो अपना प्लेटेस्ट 3 देखा हो तो यहाँ पर आपको शायद EP to HP है ना, मतलब कि HP लाइक कुछ था ही नहीं HP का। ठीक है, बंदे को 3-4 गोली मारोगे HP वाला बंदा पूरा खत्म हो जा रहा था। ठीक है, तो इस बार लाइक कह तो रहे हैं कि मतलब कि EP और HP मतलब कि अच्छे से इम्प्रूव हुआ गया है, कि लाइक हम एक दो गोली में बंदा नहीं मरेगा, कह सकते हो हम एक ही दो गोली में नहीं मर जाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, तो हम देखते हैं किसी बंदे से
चंडीगढ़ भर के, देखते हैं कैसे होता है। और यहाँ पे अभी हम यहाँ पे जा रहे हैं, ये जगह मस्त बढ़िया लग रही है, हम ड्राइविंग करके ही जाएंगे। लाइक ड्राइविंग का कैमरा एंगल यस बेटर तो हुआ है, बट थोड़े से लाइक मुझे थोड़ा सा और डिफिकल्ट लग रहा है, ठीक है। मतलब कि कैमरा एंगल सही है, कैमरा एंगल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पे जो व्हीकल का कंट्रोल है ना, कंट्रोल वो थोड़ा सा और बेटर होना चाहिए। मतलब कि लाइक इजिली कंट्रोल नहीं हो रहा है। देखो सामने का बंदा, भाई बंदे को उड़ाया भाई पानी के अंदर, अबे गया भाई, मैं गया भाई, भाई पानी के अंदर गया भाई। देखो एक ग्लिच है यहाँ पर, भी एक ग्लिच है। देखो भाई हम क्या बोलते हैं, ये जीप लेके पानी के अंदर घुसे, यहाँ पर हमारा हेल्थ नहीं जा रहा है। शायद मैं जैसे यहाँ से जीप से बांध लूंगा ना पानी से, वैसे मेरा हेल्थ जाना स्टार्ट हो जाएगा। देखो देखो देख रहे हो ना, देखो मेरा हेल्थ जाना स्टार्ट हो गया, क्योंकि पानी के अंदर हम सांस नहीं ले पाते हैं ना इसके लिए। वैसे हम यहाँ पे बहुत ही गलत कूद गए, मतलब कि बंदे को हमें मारना था गाड़ी से, बट हम बंदे को मारने के चक्कर में यहाँ पे पूरा आ गए। अब यहाँ से निकलना थोड़ा मुश्किल सा होगा यार, और मेरा पता नहीं वॉइस को क्या हो रहा है, थोड़ा सा मतलब कि गला मेरा खराब चल रहा है, तो मैनेज कर लेना, ठीक है। पिछले एक महीने से पता नहीं यही सीन चल रहा है। और सामने जोन दिख रहा है यहाँ पे, हमारी लोकेशन तो हमारे डेस्टिनेशन से बहुत दूर है, गाड़ी तो हमारा पानी के अंदर घुस गया, अभी हमें चल चल के जाना पड़ेगा। देखो सामने मतलब एक थार रखी हुई है, इसको जाके देखते हैं। अब मेरे अकॉर्डिंग मतलब कि प्लेटेस्ट 5 के अंदर शायद से जीप तो इसके अंदर ऐड ही है। अब लाइक एक बाइक थी ना, जो आपने मतलब कि पोस्टर वगैरह में देखी होगी, प्लेटेस्ट 5 के अंदर मेरे ख्याल से वो बाइक वगैरह वो ऐड करने का इनका प्लान बन सकता है। मे बी यस आई एम नॉट श्योर, बट प्लेटेस्ट 5 और उसमें शायद से बाइक का सीन हो सकता है गेम के अंदर ऐड हो। मतलब कि व्हीकल का आरपीएम भी कुछ ज्यादा है, पहाड़ पे बहुत आसानी से चढ़ रहा है, इतना आसानी से पहाड़ पे चढ़ना नहीं चाहिए, ये भी एक और बेटर हो सकता है, ठीक है। तो यूजीडब्ल्यू में इसको देख रहा है, तो एज अ फीडबैक आप इसे काम कर सकते हो, ठीक है, इन सब चीजों पे जो भी मैं आपको बता रहा हूं। और यहां पे हम स्लम्स में आ चुके हैं, स्लम्स का एरिया भी एज इट इज ही है, मतलब कि कुछ इंप्रूवमेंट्स नहीं है, वही तेल के डब्बे उधर से उधर पड़े हुए हैं, थोड़ा सा टूटे फूटे घर है बिना प्लास्टर के, घर में दरवाजे नहीं है। मुझको मेडिकेट ढूंढ रहा हूँ, मुझे मेडिकेट मिल जाए तो मेरा यहाँ पे आधा हेल्थ जो खाली हुआ ना पानी में गिरने के बाद, तो वो मेरा आधा हेल्थ जो है ना वो रिकवर हो जाएगा। बट यहाँ पे खाली तेल के डब्बे के अलावा तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, मतलब कि मेडिकेट वगैरह। ऐसे में कोई बंदा हमको आसानी से मार देगा यार, वैसे हमारा आधा हेल्थ खत्म है। एंड गाइस हाँ, अगर अभी तक आपको क्लोज बीटा का एक्सेस नहीं मिला है और आपको प्ले करना है, तो आपको फॉर्म का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से आप फिलअप करके उसको यूजीडब्ल्यू क्लोज बीटा का एक्सेस ले सकते हो और उसे प्ले भी कर सकते हो। वो फॉर्म फिलअप करने के बाद यूजीडब्ल्यू की टीम आपको सामने से मैसेज कर देगी जीमेल या आपके फोन नंबर पे। अभी तक हमने एक ही बंदे को किल किया है, वो भी गाड़ी से, ठीक है। यहाँ पे एक बंदा ऊपर ही रह गया था भाई, हमने किल भी ज्यादा नहीं किया, ओनली फॉर अभी कितने 15 के 18 बंदे अवेलेबल है भाई, किल विल करना पड़ेगा भाई, वरना हम नूब कहलाएंगे। वैसे पहले कौन सा प्रो थे कोई नहीं कोई नहीं, हम यहाँ पे अभी गेम को एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है, गेम के अंदर के चीजों को देख रहे हैं। यहाँ पे अभी हम किल करने पर ध्यान नहीं दे रहे, ठीक है, गेम के बारे में आपको बता रहे हैं। किल कर, अगर आपको मेरे किल्स वाले गेम प्ले देखने हैं, तो सिंपली चैनल निकाल लेंगे, वीडियो डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, RY2.0 नाम का चैनल है, वहाँ पे मैं गेम प्ले अपलोड करूंगा, ठीक है, यूट्यूब का, तो प्लीज जाकर सब्सक्राइब जरूर से कर लेना अगर आपको गेम प्ले देखने हैं। तो यहाँ पे सर्कल बहुत ही छोटा होने लगा है, और यहाँ पे गाड़ी की स्पीड तो बहुत तगड़ी चल रही है भाई भाई भाई, क्या ही ठोका भाई, गाड़ी में स्प्रिंग लगी हुई क्या, ठोकने के बाद पीछे के एकदम से कैसे जा रही है गाड़ी को, मतलब कोई डैमेज जैसे लगता है तो दिखता नहीं है, मतलब कि गाड़ी में इंपैक्ट पड़ता है ना तो डैमेज लगता है। तो सामने कोई बंदा है क्या, बंदा तो नहीं है, और बंदा नहीं है। और गाइस मुझे एक चीज याद आया, मतलब कि देखो गाइस, और मेरे को शायद इन लोगों ने बोला था कि फॉग का जो एक्सपीरियंस है ना, ग्रेनेड वाला फॉग, उसका एक्सपीरियंस भी लोगों ने ज्यादा ही बेटर किया है, उसका एनहेंसमेंट किया है उसके एक्सपीरियंस, तो फॉग फेंका है हमने। ओके यार, धुआं भी कंप्लीट तरीके से हो रहा है, यस इप्स में भी मतलब कि इंप्रूवमेंट तो किया हुआ है, हाँ काफी बढ़िया लग रहा है देखना। भाई बंदा बंदा भाई, गाड़ी लेके भाई धुएं के अंदर घुसा दिया उसने गाड़ी, उसका पटका मुझे मारने का प्लान था यार इसको, तो बच गया भाई बार बार। अच्छा मैं दुबाड़ा है, दुबाड़ा यानी कि स्मोक, उससे बाहर निकल गया था, मैं पेड़ के पास रहता हूँ जिससे मुझे बचने में इजिली होगा, गाड़ी वाला आएगा तो इजिली मैं बच सकता हूँ। अभी ये कैसे मारा मैं भाई, किसने मारा भाई, भाई एकदम से कैसे कहां से मार रही है, ओ भाई यार। एक तो मेरे पास हेल्थ किट नहीं थी, मैंने वो भी चेक नहीं किया यार, कोई ना बाद में देखते हैं, चलो बाय बाय।